शुक्रवार को एक दिन के लिए जिले के सभी थाने में किशोरियों को थानाध्यक्ष बनाया गया। शहर कोतवाली में महिला डिग्री कॉलेज की बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा सुष्मिता यादव को शहर कोतवाल बनाया गया। कुर्सी पर बैठते ही मारपीट मामले के दो फरियादी आए। कोतवाल ने दोनों पक्षों की बातों को गंभीरता पूर्वक सुना। इसके अलावा जमीन संबंधित विवाद आया। दोनों पक्षों ने अपनी बात कोतवाल के सामने रखी। इस पर गहनता पूर्वक विचार करते हुए कोतवाल ने शांति भंग में दोनों पक्षों का 151 में चालान कर दिया। बातचीत में एक दिन की कोतवाल सुष्मिता यादव ने बताया कि शासन द्वारा छात्राओं को जागरूक व हौसला बढ़ाने के लिए यह पहल बहुत ही सराहनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके अलावा रेवतीपुर थाना की कमान शिवांगी पांडे, जमनिया कोतवाली शालिनी सिंह, बहरियाबाद ईर्षिका सहाय, करंडा आस्था सिंह तथा जंगीपुर थाना की कमान विमला कुमारी ने संभाली। इसके साथ ही जिले के अन्य थानों की कमान लड़कियों ने संभालते हुए यहां आने वाले फरियादियों को की फरियाद सुनकर उनका निस्तारण किया। जमनिया कोतवाली के थानाध्यक्ष शालिनी तो चार्ज लेते ही सड़क पर उतर गई और वाहन चेकिंग शुरू कर दिया। इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न अनियमितताओं में कई लोगों का चालान भी किया गया। इसके साथ ही अन्य थानों में थानाध्यक्ष किशोरियों द्वारा बिना मास्क बिना हेलमेट के चालान किए गए एवं महिला हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी ली गई। जन सुनवाई के दौरान आगंतुकों की समस्याएं सुनी गई तथा निस्तारण के लिए संबंधितों को निर्देश दिया गया। थाना अभिलेखों के बारे में भी जानकारी दी गई। थानाध्यक्ष बन किशोरियों में उत्साह के बीच खुशी नजर आई। महिलाओं के प्रति योगी सरकार के इस सोच की लोगों में चर्चा होती रही। तमाम लोगों को अनिल कपूर की फिल्म नायक याद आ गई, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया गया। मालूम हो कि विश्व बाल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 1535 थानों में 1526 थानों की कमान 20 नवंबर को एक दिन के लिए किशोरियों के हाथ सौंपने का फरमान जारी किया था। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।